फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिट फर्स्ट डचेजेस गिवन है आपको अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्स वाई और जेड की, और जिसकी टोटल कॉस्ट कितनी है 3 लाख। नेक्स्ट है सेल्स भी गिवन है जिसमें यूनिट और पर यूनिट सेल्स आपको गिवन है। नेक्स्ट इज अब आपको क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पे गिवन है। आपको क्या प्रिपेयर करना है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट रेट है वो सभी डिपार्टमेंट में सेम है। तो नाउ वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द प्रॉफिट रेट या प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। तो हमने जो परचेजेस है यहाँ पे 3000, 6000 और 7000 ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम सबसे पहले इसकी सेलिंग प्राइस निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इन सारी यूनिट्स की टोटल कॉस्ट गिवन है। टोटल कॉस्ट कितनी है, 3 लाख रुपीज आपको क्वेश्चन में गिवन है। डिपार्टमेंट एक्स ने 40 रुपीज पर यूनिट की सेलिंग प्राइस है। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 40 डेट इज 1,20,000। 6000 मल्टीप्लाई बाय 45 डिपार्टमेंट वाई की है हमारी 45, डिपार्टमेंट जेड की है हमारी 50। इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1,20,000। इसको कर दिया हमने 2,70,000 और इसको कर दिया हमने 3,60,000। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितनी आ गई है, टोटल सेलिंग प्राइस आ गई हमारी 7,50,000। कितनी यूनिट्स की आ गई, ये आ गई आपकी 16,200 यूनिट्स की आपकी है ये आ गई सेलिंग प्राइस। और इसकी परचेजेस वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख रुपीज। तो ये जो 3 लाख रुपीज है आपने क्वेश्चन से ले लिया है, ये है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये आपका क्या आ जाएगा प्रॉफिट, दैट इज 4,50,000। प्रॉफिट मार्जिन रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितना है 4,50,000 डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है हमारी 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 60%। आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना आ गया, 60% आ गया है। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस। क्यों? क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक के लिए, ओपनिंग स्टॉक के लिए कॉस्ट प्राइस की नीड होगी। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, सबकी आपके पास इंडिविजुअल सेलिंग प्राइस गिवन है, इसमें से आप कितना मार्जिन 60% आप लेस कर देंगे, फिर वो आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है आपकी 40, 45, 50 डिपार्टमेंट वाइज, इसका आपने 60% कैलकुलेट किया, 40 मल्टीप्लाई बाय 60% डैट इज 24, 45 मल्टीप्लाई बाय 60% डैट इज 27, नेक्स्ट है 50 मल्टीप्लाई बाय 60% डैट इज 30। ये आपका प्रॉफिट लेस होने पे आपके पास क्या आ गई है, कॉस्ट पर यूनिट। तो ये कैलकुलेशन आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट से पहले वर्किंग नोट में करना होगा। क्वेश्चन में हमें परचेजेस, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। नाउ वी विल कैलकुलेट द ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें ओपनिंग स्टॉक इधर आता है, परचेजेस इधर आती है, सेल्स इधर आता है, क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है। अब आपको ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेजेस, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। यहाँ देखिए यही फॉर्मूला हमने लिया है। डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट एक्स की सेल्स कितनी है हमारी 3060 प्लस डिपार्टमेंट एक्स का क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 300। क्वेश्चन में आप देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है 300 माइनस परचेजेस, परचेजेस डिपार्टमेंट एक्स की हमारी 3000। यहाँ हमने एज इट इज करके ये आ गया हमारा ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट डिपार्टमेंट वाई का भी ऐसे करेंगे, डिपार्टमेंट वाई की हमारी सेल्स है 5760 प्लस क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 480 माइनस 6000 क्या है हमारी परचेजेस है, लेस कर दिया ये आ गया हमारा ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स। डिपार्टमेंट जेड का भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू कि कितनी वैल्यू का ओपनिंग स्टॉक है, कितनी वैल्यू का क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि आपको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सिर्फ क्या गिवन थी, सेलिंग प्राइस गिवन थी।
ठीक है। तो अब यहाँ आ जाइए, आपने ये परफॉर्मा बना लिया है ओपनिंग स्टॉक का, परचेजेस का, क्लोजिंग स्टॉक का, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई एंड जेड। नाउ क्वांटिटी, ओपनिंग स्टॉक हमने यहाँ कैलकुलेट किया है तो इसकी क्वांटिटी ये आ गई है। कॉस्ट हमने इससे पहले कैलकुलेट की थी, डैट इज 16, 18 एंड 20। तो आपको पता है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज सबकी एंट्री हमारी कॉस्ट पर ही होती है। यहाँ हमने पर यूनिट कॉस्ट लिखी है डिपार्टमेंट वाइज, इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परचेजेस, परचेजेस जो है वो क्वेश्चन में हमें गिवन है यूनिट वाइज, डैट इज 3000, 6000, 7200। कॉस्ट है आपकी जो हमने कैलकुलेट कर चुके हैं और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये परचेजेस का भी अमाउंट आ गया है। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक, इसकी क्वांटिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है जो हमने यहाँ लिख दी है 300, 480, 18, ठीक है। नाउ कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के बाद में हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, वैल्यू ये आ गई है। अब हम डायरेक्टली डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे क्योंकि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन कैलकुलेटेड है। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट का ये हमारा परफॉर्मा है जिसमें पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट वाइज आपने लिख दिया है, डेबिट में एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स क्रेडिट साइड में आ गया हमारा एक्स वाई जेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक जो हमने अभी वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था उनकी वैल्यू क्या है, 5760, 4320, 6120। नेक्स्ट परचेजेस भी हमने नीचे टेबल में कैलकुलेट किया है, वैल्यू है 48,000, 1,08,000, 1,44,000। नेक्स्ट है सेल्स, सेल्स के कैलकुलेशन के लिए हमें सेल्स की यूनिट देखिए, सेल्स की यूनिट हमें क्वेश्चन में गिवन है, सेल्स की यूनिट्स क्या है हमारी 3060 मल्टीप्लाई बाय 40, तो क्या आ गया आपका 1224,000। नेक्स्ट है आपका 5760 मल्टीप्लाई बाय 45, वैल्यू क्या आ गई आपकी 2592,000। नेक्स्ट है आपका 7488 मल्टीप्लाई बाय 50, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 3744,000। ये है आपको क्वेश्चन में गिवन, यहाँ आपने मेंशन कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक को हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था कॉस्ट प्राइस पे, ये सारे हमारे कॉस्ट प्राइस पे हैं और ये आता है हमारा सेलिंग प्राइस पे 4800, 8640, 360। अब इसका हमने टोटल कर लिया, इनका टोटल कर लिया, देयर आफ्टर इन दोनों का टोटल कर लिया और इसमें से लेस कर दिया हमने इसको, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 7340, 1555202, 22460। तो ये है हमारा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। इस क्वेश्चन में यही लॉजिक है कि जो हमें टोटल कॉस्ट गिवन थी कितनी यूनिट्स की गिवन थी, 16,200 यूनिट्स की गिवन थी, उन्हीं की हमें सेलिंग प्राइस निकाल के प्रॉफिट मार्जिन रेशियो कैलकुलेट करना था। क्यों? क्योंकि सभी में हमारा प्रॉफिट मार्जिन रेशियो सेम है।